नमस्कार, आपका आपकी रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है तीखा और चटपटा हरी मिर्च का अचार। चलो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। फटाफट तीखा और चटपटा अचार बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छी तरह वॉश करके सुखा लें। सबसे पहले इसके डंडल हटा लें, एक एक करके सारे डंडल हटा लें और फिर कैंची की सहायता से बीच में से काट ले या छोटे छोटे पीसेस कर ले। इस तरह बीच में से काटने से सारा मसाला अच्छी तरह मिल जाता है और अचार बहुत ही चटपटा और तीखा बनता है। मिर्च को एक थाली में फैला लें, उसमें नमक और हल्दी डाल के अच्छी तरह से मिला लें। फिर अगर धूप है तो कम से कम एक घंटा, नहीं तो पंखे के नीचे 2 घंटे सुखा लें। इससे मिर्च के अंदर जो मॉइस्चराइजर होता है वो अच्छी तरह सूख जाता है, जिससे अचार खराब नहीं होता है। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिए है पीली सरसों, राई, जीरा, कलौंजी, अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ। अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्की गैस पर भूनना है, ज़्यादा नहीं गर्म करना है, हल्का सा गर्म करना है और हल्का दरदरा ग्राइंड करना है। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि हल्का ग्राइंड किया हुआ दरदरा सा मसाला अचार में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अचार बनाने के लिए हमने सरसों का तेल लिया है। इसको हल्का सा हमने गर्म करना है, इतना गर्म नहीं करना कि इससे भाप निकले। ठंडा करके इसमें एक चुटकी हींग डालें और अच्छी तरह से मिला लें। अब सरसों के तेल में हरी मिर्चें डालें। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो बीज ना निकालें, नहीं तो बीज को अलग से छांट दें, इससे ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं बनती है। ये आपकी चॉइस है। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो इसके बीज रहने दें, नहीं तो इसको छांट दें। अब मिर्चों को तेल में अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें मसाले डालें, जो हमने दरदरा पीसा है मसाला वो डालेंगे। उसके बाद हल्दी डालेंगे। हल्दी के बाद हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे तीखा नहीं होता, सिर्फ ये कलर के लिए होती है और ऑप्शनल है। काला नमक डालेंगे, क्योंकि दूसरा नमक हमने पहले डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसे तब तक मिलाएंगे जब तक मिर्च में अच्छी तरह से मसाला पूरी तरह से मिल ना जाए। लगातार चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिलाएं। आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही चटपटा तीखा अचार बनकर तैयार हो गया है। यह चटपटा और तीखा तो है, या इसको थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए या तो आप 1 या 2 चम्मच नींबू का रस या आमचूर्ण डालकर अच्छी तरह मिला लें। चटपटा तीखा अचार बनकर तैयार हो गया है। आप एक एयर कंडीशनर जार लें और उसमें अच्छी तरह से दबा दबा कर सारा अचार भर दें। याद रखें कि अचार को अच्छी तरह से दबा कर भरना है, ताकि तेल ऊपर तक अचार को ढक ले और अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। अगर आपको मेरी अचार की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।